सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक्निकल के सभी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके यूट्यूब चैनल को आप कैसे सिक्योर रख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यार इस के जरिए ना आप सिर्फ यूट्यूब चैनल ही नहीं, आप अपने स्मार्टफोन को भी आप सिक्योर करके रख सकते हो। तो यार कौन सी बात को आपको ध्यान में रखनी है और कौन सी बात को आपको फॉलो करने में आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन यार उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप न्यू विजिटर हो, तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप पेटीएम कैश अर्निंग करना चाहते हो तो आपको है ना आई बटन पे या फिर इस वीडियो के एंड में या फिर आप डिस्क्रिप्शन पे चेक करें, आपको है ना पेटीएम अर्निंग रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगी, जहाँ से आप बहुत ही अच्छी खासी पेटीएम अर्निंग कर सकते हो लाइक मी। तो गाइज यार सबसे पहले आपका अपना है ना ईमेल आईडी यानी कि जो भी जीमेल अकाउंट है अपना, पहले तो जीमेल जो ऐप ओपन कर लेना है, ठीक है, ब्राउज़र पे। और यहाँ पे है ना ब्राउज़र पे ओपन करने के बाद आपको है ना मैनेज सेटिंग पे चले जाना है। तो चलो मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है। अब दोस्तों मैं आपको अपने है ना टोटल एक्टिविटी में लेके चलता हूँ। आपको है ना इस लोगो पे क्लिक करना है राइट साइड पे ऊपर, और आपको ना मैनेज योर गूगल अकाउंट, देख रहे हो, मैनेज योर गूगल अकाउंट पर टैप करना है। जैसे आप मैनेज योर गूगल अकाउंट पर टैप करते हो तो यहाँ पर देख सकते हैं योर डिवाइसेस, यानी कि कहने का मतलब ये है, ये वाला जो ईमेल आईडी है, ये जो जीमेल आईडी है, आपने कहाँ कहाँ पर लॉग इन करके रखा है, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देगा। तो गाइज यार यकीन मानो मैं आज तक, ठीक है, मैंने आज तक सैमसंग का जो है फ़ोन ही यूज़ नहीं किया है। तो यार यहाँ पे जो सैमसंग का डिवाइस है ऐड कैसे हो गया, राइट? और दोस्तों मैं मानता हूँ कि शाओमी नोट 4 जो भी रेडमी का नोट 4 मेरा सेल फ़ोन है, और विंडोज़ डिवाइस पे ना लैपटॉप में मैंने अपना जो है इस आईडी को लॉग इन कर रखा है। लेकिन यार उसके अलावा यहाँ पर एलजी का फ़ोन, सैमसंग का फ़ोन तो मेरे पास है ही नहीं। तो यार ये यहाँ पे कैसे आया, ठीक है? तो यार ये उसी डिवाइस को यहाँ पे नोटिफाई करता है जिस डिवाइस में है ना आपका ये ईमेल आईडी लॉगिन करने का ट्राई किया जाता है, समझ रहे हो? तो यार मैं तो श्योर नहीं हूँ, अगर लॉगिन करने का ट्राई किया जा भी सकता था तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं शो करने चाहिए थी। अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये यार ये चीज़ हो क्या रहा है मेरे साथ, क्योंकि यार मैंने तो कहीं मेरे पास तो सैमसंग का या फिर एलजी का फ़ोन है ही नहीं, मेरे पास तो नोट रेडमी का नोट 4 है, और जो विंडोज़ है विंडोज़ पर मैंने इसको जो है लॉग इन करके रखा है। तो गाइस यार इसी प्रकार से आपको भी चेक करना है, और चेक करने के बाद आपको भी कोई भी है ना डाउट आता है, या डाउट की बात नहीं, हर एक हफ्ते के अंदर आपको है ना अपना पासवर्ड चेंज करना है। यार मैं तो सिक्योर हो चुका हूँ, क्योंकि यार मैं हर एक हफ्ते पासवर्ड चेंज करता रहता हूँ, जो कि यार बहुत ही ज़्यादा अभी जो है हैकिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, आपको पता ही होगा अगर आप यूट्यूबर हो या फिर आप यूट्यूब पे एक्टिव रहते हो, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज है ना कंपनी को है ना दिखावा करके बहुत सारे फ्रॉड लोग जो है यहाँ पे है ना यूट्यूब चैनल्स हैक कर रहे हैं। जबकि अगर आपको पता है टेक्निकल राजस्थान के बारे में, उनका चैनल हैक हो चुका था, और चैनल हैक होने के साथ साथ है ना उनका चैनल है ना यूट्यूब ने वापस भी कर दिया था, लेकिन फिर से अचानक हैक हो गया। और यार मान सकते हो आपको एक घंटे में एक 200 से 300 वीडियोस ऑटोमेटिकली अपलोड होने लगे, और यूट्यूब ने उसको सस्पेंड कर दिया, वो भी है ना जापानीज वीडियोस। तो यार बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि यार ज़्यादातर आपका चैनल हैक होने के चांसेस रहते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, क्योंकि यार आपकी ईमेल आईडी पे, बिजनेस क्वेरीज की ईमेल आईडी पे आपको स्पॉन्सरशिप दिया जाता है कम, यानी कि लालच दिया जाता है। और आप है ना सिर्फ एक मिनट का वीडियो अगर आप बनाते हो तो आपको है ना लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये का लालच देंगे, और आप उसको है ना उस लिंक पे क्लिक करने के लिए बोलेंगे, और उस लिंक को अगर आप क्लिक करते हो तो डेडिकेटेड एक दूसरी वेबसाइट पे कन्वर्ट हो जाता है, और वहाँ से ना आपका जो है डिटेल्स लिया जाता है। तो यार इस प्रकार से भी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल हैक होते हैं, स्पेशली जो पुराने क्रिएटर्स लोग हैं वो लोग तो समझ चुके हैं इस बात को, लेकिन यार आपको समझना है न्यू क्रिएटर को, ठीक है, ये जो चीज़ है ये न्यू क्रिएटर के लिए है, ठीक है। अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो तो यार आपको ध्यान में रखना है, और एक बात हमेशा याद रखें, टू स्टेप वेरिफिकेशन आपको है ना इनेबल करके रखना है अपने चैनल का। टू स्टेप वेरिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता नहीं है टू स्टेप वेरिफिकेशन आपको कैसे जो है ना इनेबल करना है,
तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो देने के लिए। अब दोस्तों यार ये वीडियो बेसिकली इसलिए मैंने बताया कि आपको है ना इस टाइप से चेक कर सकते हो कि आपकी डिवाइस यानी कि आपकी जीमेल आईडी किस किस डिवाइस पे इनेबल्ड है यानी कि लॉगिन है, और वहाँ से आप बच सकते हो, फ्रॉड से आप बच सकते हो, कुछ भी हादसा होने से बच सकते हो। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहें और सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।